हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि रात को भीगे हुए काले चने और छोले बच जाते हैं, तो सुबह उनका क्या करें। और कभी कभार होता है कि कभी एक्स्ट्रा बच भी जाते हैं, तो हम उसको दे सकते हैं नया ट्विस्ट और बना सकते हैं सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस छोले और काले चने की चाट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बोल काले चने और छोले ले लिए हैं। यहाँ पे काबुली चने बोलते हैं जिनको, इनको बॉईल कर लिया है मैंने पहले से ही। तो चेक करते हैं एक बार कि बॉईल किस तरह से करने हैं यहाँ पे। तो मैं काले चने और छोले दोनों ले रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से बॉईल होने चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा हलवा नहीं करना और ज़्यादा कड़क भी नहीं बनाने कि किसी से खाए नहीं जा सके। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से बॉईल हो गए हैं और पैन चढ़ा दिया मैंने। तो इसमें ऐड किया एक चम्मच तेल और यहाँ पे जीरा और मीठे नीम के पत्ते ऐड किए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ हींग पाउडर चौथाई चम्मच। और हींग पाउडर मिलाने के बाद मैं यहाँ पे एक बोल ऑनियन लिए हैं जिनको मैंने इस शेप में काटा है। तो इसको हम एक बार मिला लेंगे, तेल के साथ फ्राई कर लेंगे और ये सब अलग अलग हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड करने जा रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को अवॉइड कर सकते हैं। और मिला लेंगे एक बार। और इसी के साथ मैं इसमें, अगर आपके पास येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। तो एक बॉल ग्रीन कैप्सिकम मिलाई है इसमें और तेल के साथ फ्राई कर लेंगे उसको अच्छे तरह से। तो यहाँ पर मैंने जो छोले और चने हैं दोनों को चलनी में निकाल लिया है, तो सौटे करेंगे एक बार इनको अच्छे तरह से। मिलाने के बाद कुछ यहाँ पे मैंने एक बॉल टमाटर लिए, इनको भी प्याज के शेप में ही काटा है। तो लगातार चलाते रहना है, गैस की फ्लेम को कर देना है कम। और तेल देखिए बिल्कुल ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे मैंने बॉयल आलू कर रखा था एक, और इसको भी प्याज के शेप में ही काट के मिला लिया है अच्छे तरह से तेल में सभी को। और मिलाने के बाद में मैंने यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी ऐड की है और आधी चम्मच ही नमक भी ऐड कर दिया है। तो इन सब को हम अच्छे तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में यहाँ पे टमाटर सॉस ऐड करने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो आप टमाटर सॉस ज़रूर ऐड कीजिएगा। और विनेगर ऐड करने जा रही हूँ आधी चम्मच। जो छोले मैंने चलनी में निकाल दिया उनका पानी निकल चुका है, तो इनको आप ऐड करने जा रहे हो प्याज और कैप्सिकम के साथ। तो इनको अच्छे तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल तीखी नहीं होती है। और इसको एक बार अच्छे तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद रेड रेड सा कलर आ गया। इसको पकाने के लिए ढक्कन रखेंगे करीबन एक मिनट के लिए कम फ्लेम पर। एक मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा लेंगे। तो ऊपर से गार्निश करेंगे हरा धनिया। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है ये छोले और काले चने की चाट। तो धनिए को मिला लेंगे अच्छे तरह से और गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। और अब मैं करने जा रही हूँ सर्व। तो लग रही है ना बिल्कुल कलरफुल। अगर आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो ऊपर से हरे धनिए के साथ मैं गार्निश करने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये काले चने और छोले की चाट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में। बाय बाय।